Welcome back everyone on English Zone channel and we are here with a new class that is related to mock test 3 and this class is very important for your exam point of view like TGT PGT exams jo abhi upcoming days mein aapke UP mein hone wale hain English literature se related un exams ko point of view mein rakhte hue ye multiple choice questions aapke mock test ke form mein yahan pe hain aap analysis kariye aapke paas time hoga question ka answer karne ka और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश लिटरेचर जिसमें आपका सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है साथ ही साथ लिटरेरी टर्म्स एंड मोमेंट्स हैं इसके साथ ही साथ जॉन मिल्टन वर्ड्सवर्थ एंड गॉल्सवर्थी शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पे आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस रहे तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट इन जैकोबियन प्रोज इज आपको इसका आंसर देना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोटेबल अचीवमेंट की बात करते हैं उपलब्धि की बात करते हैं जैकोबियन प्रोज की वो क्या है बेकन्स एसे किंग्स जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल रॉबर्ट बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली या नन ऑफ द अबव 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इन सभी क्वेश्चन का आप आंसर करिए उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपसे डिस्कस करूंगी मॉक टेस्ट है आपके पास है कि आप क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रिपेयर्ड हो और उसी रिगार्डिंग ये सेशन हमारा है तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं ऑप्शन बी किंग जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल वाज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जैकोबियन प्रोज तो इसका जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन बी आंसर है इसको टिक कर लीजिए आप सभी नंबर सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं पिक द ऑड मैन आउट इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑड मैन आउट करना है मीन्स उनको बाहर निकालना है जो इस चार ऑप्शंस में से तीन कोई एक सिमिलर है बट एक उसमें से किसी अलग जॉनर से बिलोंग करता है तो उसके बारे में आपको बताना है बाकी पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो किंग्स जेम्स जो थे वो इंग्लैंड के किंग थे जैकोबियन एरा इन्हीं के नेम के बिहाफ पे पड़ा है जेम्स फर्स्ट के नेम के बिहाफ पे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन इन्होंने किसका किया है बाइबल का किया है इंग्लिश लैंग्वेज में और इसी वजह से किंग जेम्स का ट्रांसलेशन जो है बाइबल का वो एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट माना जाता है इसके साथ साथ जॉन वेबस्टर भी इस टाइम के एक इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे जो कि बेसिकली जो प्लेस लिखे हैं वो ट्रेजिक प्लेस लिखे हुए हैं डचेस ऑफ माल्फी ये एक इंपॉर्टेंट प्ले है जॉन वेबस्टर का तो सेकंड का जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि शेक्सपियर जो है वो इन तीनों के साथ नहीं बिलोंग करते हैं 1, 2 एंड 3 जो है ये किस यहां से बिलोंग करते हैं यूनिवर्सिटी ब्रिज से ठीक है यूनिवर्सिटी विद राइटर्स हैं ड्रामेटिस्ट हैं बट शेक्सपियर वाज़ दी एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी विद राइटर या ड्रामेटिस्ट में नहीं बिलोंग करते हैं इनके ग्रुप में नहीं बिलोंग करते हैं इसीलिए ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं रूसो इज एसोसिएटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑप्शन बी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रशियन रेवोल्यूशन या है नन ऑफ दीज तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है रूसो जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिलोंग करते हैं 1789 का जो इंसिडेंट था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 1789 में और रूसो जीन जैक्स रूसो जिनको नाम से जाना जाता है इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में अगर रूसो की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका एक वर्क है आप चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे तो इनकी जो बुक का नेम है वो मैं बता देती हूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द बुक जो कि जीन जैक्स रूसो की बुक है और 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिलोंग करते हैं 4, 5 एंड 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के स्टूडेंट्स के लिए है नंबर 4 क्वेश्चन को देखते हैं द 17th सेंचुरी वॉज मार्क्ड बाय द डाउनफॉल ऑफ 17th सेंचुरी जो टाइम ड्यूरेशन था वो किसके डाउनफॉल का मार्क है या कौन सी ऐसी चीज थी या कौन सा ऐसा टाइम था जो इस 17th सेंचुरी में डाउनफॉल हुआ है रोमांटिसिज्म क्लासिसिज्म रेनेशा स्प्रिट या स्यूडो क्लासिसिज्म तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है सी है रेनेशा स्प्रिट रेनेशा क्योंकि 16th सेंचुरी जब एलिजाबेथन एरा का टाइम था तो वो क्वीन एलिजाबेथ रूल ओवर कर रही थी इंग्लैंड पे तो वो टाइम ड्यूरेशन था रेनेसा अपने चरम पे था शेक्सपियर के टाइम पे इससे पहले
16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक का पूरा टाइम ड्यूरेशन जो था और 17th सेंचुरी का टाइम था, वो रेनेसा स्पिरिट, रेनेसा टाइम ड्यूरेशन के नेम से जाना जाता है। तो 17th सेंचुरी जो था वो डाउनफॉल क्या था, वो था रेनेसा स्पिरिट के डाउनफॉल का एक मार्ग था। इसी टाइम ड्यूरेशन में जो रेनेसा एक स्पिरिट थी, रेनेसा एक माइंडसेट था, रेनेसा की जो क्वालिटी थी या रेनेसा की जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं फॉल डाउन हुई है इस टाइम पे। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट कुड बी अनदर नेम ऑफ रेनेसा? न्यू लर्निंग, द रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंटनिज्म या ह्यूमनिज्म? रेनेसा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। नंबर 5 क्वेश्चन का आंसर करिए कि किस अदर नेम से हम रेनेसा को जानते हैं या इसको अदर बोला जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, न्यू लर्निंग। न्यू लर्निंग आर्ट, लिटरेचर एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक या आप पॉलिटिकल किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिनेरियो में आप देखोगे तो जो एक न्यू लर्निंग, न्यू अप्रोच के साथ में जो चीजें हुई हैं इस टाइम ड्यूरेशन में रेनेसा में, उसको हम रेनेसा के नेम से जानते हैं। तो ये हमारा है, रेनेसा को अगर हम अदर नेम से जानते हैं तो दैट इज न्यू लर्निंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6 वी हैव द क्वेश्चन, द टर्म क्लासिक वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द वर्क्स ऑफ द ग्रेट। क्लासिकल जो टर्म था, किसके वर्क के, किसके ग्रेट वर्क्स को अप्लाई किया जाता है, उस पर फर्स्ट टाइम अप्लाइड किया गया था। द एंग्लो सैक्सन राइटर, रोमन एंड ग्रीक राइटर्स, एलिजाबेथियन राइटर्स, इटालियन एंड फ्रेंच राइटर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम रोमन एंड ग्रीक राइटर्स की बात करते हैं जिसमें आपके इंपॉर्टेंट एपिक राइटर्स जिनको हम क्लासिकल राइटर्स के नेम से जानते हैं और इनके वर्क्स को क्या बोला जाता है, क्लासिक वर्क्स ऑफ लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 7, 8 and 9 क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आंसर करिए। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आर द वर्क्स ऑफ, किसके वर्क्स हैं ये, किसने ये लाइन पोएम्स लिखी हुई हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए है विलियम वॉर्ड्सवर्थ, जॉर्ज क्रैब, ऑप्शन सी रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक। तो कौन करेक्ट आंसर है इसका, वो है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक इज द करेक्ट आंसर और ये बुक का नाम है, तो यहाँ पे हम विलियम ब्लेक लिखेंगे। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। दिस इज द बुक जो कि बिलोंग करता है विलियम ब्लेक से और ये 1789 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, इसको देख लो आप, 1789 में ये वर्क्स इनके पब्लिश हुए हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। नंबर 8 क्वेश्चन को देखते हैं, विलियम ब्लेक बिलोंग टू, किस एरा से बिलोंग करते थे या किस ग्रुप से बिलोंग करते थे, इस चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है, विक्टोरियन ग्रुप, एलिजाबेथन ग्रुप, क्लासिकल ग्रुप या रोमांटिक ग्रुप। ऑप्शन आपके सामने है, 1789 में इन्होंने वर्क लिखा है तो आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो, एक तरीके से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि किस एरा से या किस ग्रुप से ये बिलोंग करते होंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, क्योंकि रोमांटिक एरा, रोमांटिक ग्रुप से विलियम ब्लेक जो है वो बिलोंग करते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन, ये अर्ली रोमांटिक का टाइम था या अर्ली रोमांटिक पोएट के नेम से ये जाने जाते हैं विलियम ब्लेक, 1789 में इन्होंने वर्क लिखा है तो ये आप इसको कनेक्ट करो। नंबर 9 क्वेश्चन, एलिजाबेथ इन लव फॉर पिक्चरेस्क डिस्क्रिप्शन वाज इनहेरिटेड फ्रॉम। चलिए, एलिजाबेथ इन लव जो है, एलिजाबेथ इन राइटर्स का जो लव है पिक्चरेस्क क्वालिटी के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, वो उन्होंने कहां से इनहेरिट किया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रीस से, जर्मनी से, फ्रांस से या इटली से, चारों ऑप्शंस में से जल्दी आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, इससे पहले ये हमारा मॉक टेस्ट 3rd है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, इससे पहले 2 ऑलरेडी मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं चैनल पे, उनसे रिलेटेड आप क्लास जरूर वॉच आउट करिएगा इसी चैनल एंग्लर जोन पे। एंड स्क्रीन पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी और साथ ही साथ प्ले लिस्ट होगा यूपी टीजीटी से रिलेटेड, जितने भी वीडियोज, जितने भी क्लासेस मैंने ली है इस चैनल पे, सभी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जो कि एंड स्क्रीन पे आपके लिए होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ये था हमारा डी, इटली से, कहां से इनहेरिट किया हुआ है, कहां से इसको लिया है, वे इटली से इनको इनहेरिट किया हुआ है। तो एलिजाबेथन
जो राइटर्स थे उनका जो लव था पिक्चरेस्क क्वालिटीज के लिए, पिक्चरेस्क डिस्क्रिप्शन के लिए, जिसको पिक्चराइज डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो, वो उनका कहाँ से इनहेरिट किया हुआ था, दैट इज फ्रॉम द इटली. नंबर 10 क्वेश्चन 11 12 का आंसर करिए. 10 क्वेश्चन है, थॉमस किट द स्पेनिश ट्रेजेडी सोज कॉन्स्पिकुअस इन्फ्लुएंस ऑफ. चलिए इसका आपको बताना है कि जो थॉमस किट की स्पेनिश ट्रेजेडी है वो किसके इन्फ्लुएंस से होकर के, किसका इन्फ्लुएंस दिखाती है. ये इनका वर्क है थॉमस किट का जो स्पेनिश ट्रेजेडी है. ये है हमारा सेनेका, एरियोस्टो, होमर या वर्जिल. तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा. सेनेका जिस जो रिलेट करता है किससे, ब्लडशेड से. आपने इसको पढ़ा होगा, आप बहुत बारी सेनेका ट्रेजेडी के बारे में जानते हो. सेनेकन ट्रेजेडी वो होती है जिसमें ब्लडशेड के बारे में एक तरीके से आप रिवेंज की से बात होती है, रिवेंज से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर पे बात की जाती है. तो ये सेनेका का जो सब एक आइडियोलॉजी थी वो सेनेकन रिवेंज ट्रेजेडी या रिवेंज प्ले के नेम से जाने जाते हैं. और ये स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो एक तरीके का न्यूज ऑनर इंग्लिश थिएटर में एस्टेब्लिश किया था. दैट इज कॉल्ड सेनेकन ट्रेजेडीज या सेनेकन प्लेज या रिवेंज ट्रेजेडी या रिवेंज प्लेज. और स्पेनिश ट्रेजेडी इसी का इन्फ्लुएंस करती है, सेनेकन इन्फ्लुएंस वो है. और अगर इसकी बात करते हैं स्पेनिश ट्रेजेडी की, तो 1587 में ये पब्लिश परफॉर्म हुई है, क्योंकि पहले के प्लेज जो होते थे वो परफॉर्म्ड होते थे शेक्सपियर के टाइम के, या उससे पहले के प्लेज जो होते थे उनकी परफॉर्मेंस हुआ करती थी. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो ए करेक्ट है. 1587 वॉज द टाइम व्हेन दिस प्ले स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज परफॉर्म्ड. और आप सभी जानते हो शेक्सपियर का हैमलेट प्ले है इसी थॉमस किट की, इसी स्पेनिश ट्रेजेडी से बहुत ज्यादा इमिटेट किया हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड है. नंबर 11 की बात करते हैं, द विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन. विंटर टेल की बात करते हैं तो विंटर्स टेल जो प्ले है शेक्सपियर का वो आपको बताना है किससे ये इन्फ्लुएंस्ड है, किस प्ले से या किसकी इमिटेट किया गया है, किसको बोरो करते हुए शेक्सपियर ने इसको लिखा हुआ है. एंड ओल्ड इंग्लिश फोकलोर, लॉर्ड रोजेलिन, ग्रीन्स पेंडोस्टो या प्लूटार्क्स लाइव्स. तो आंसर आप इसका कीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है. अगर फ्रेंड्स के आंसर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो आप सभी. मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा. तो इसका कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. और ये मैं बात कर रही हूँ इस क्वेश्चन के आंसर की, जैसे बहुत से प्लेज जो है शेक्सपियर ने प्लूटार्क लाइव से भी इमिटेट करा हुआ है, बोरो किया हुआ है इसका सब्जेक्ट मैटर. बट यहाँ पे ग्रीन्स का, रॉबर्ट ग्रीन्स के पेंडेस्टो से ये बेस्ड ऑन है ये प्ले, जो कि विंटर्स टेल के नेम से जाना जाता है. और एक तरीके से ये पेस्टोरल इसमें एक्ट्स हैं, पेस्टोरल ये प्ले है शेक्सपियर का. और तो करेक्ट जो आंसर की बात करते हैं तो वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा. ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है, विच काइंड ऑफ पोएट्री वॉज डोमिनेंट इन दी अगस्टन एज. अगस्टन एज में किस तरीके की पोएट्री का डोमिनेंस था, आपको आंसर करना है. एपिक पोएट्री, लिरिकल पोएट्री, सटारिक पोएट्री या है हमारा रोमांटिक पोएट्री. तो आंसर इसका बहुत इजी है, दैट इज सटारिकल पोएट्री, क्योंकि अगस्टन एरा था. दिस वॉज द टाइम ऑफ द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के टाइम में, इस टाइम ड्यूरेशन में आप जॉन ड्राइडन के प्लेस को देखोगे तो दैट इज और वर्क्स को देखोगे तो सटारिकल पोएट्री जो थी किंग अगस्टस के नेम से ये पड़ा हुआ है अगस्टन एरा. तो यहाँ पे सटारिकल पोएट्री का डोमिनेंट था इस टाइम ड्यूरेशन में. तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है. नंबर 13, 14, 15 है. 13 क्वेश्चन देखते हैं, द इंग्लिश राइटर ऑफ द अगस्टन एज वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय. चौसर एंड वीकलीफ, ऑप्शन बी पोप एंड ड्राइडन, मार्लो एंड शेक्सपियर, एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस. तो किससे जो अगस्टन एज के राइटर्स थे वो इंग्लिश राइटर्स थे, किससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे या इन्फ्लुएंस हुए थे. तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी है, मार्लो एंड शेक्सपियर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 14, आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, आइडेंटिफाई द पोएट एंड पोयम. इस आपको लाइन बनाना, नेम बताना है कि कहाँ से ये लाइन ली गई है, इस लाइन के बारे में बात की गई है. आई एम द मोनार्क, तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम. दैट इज गोल्ड स्मिथ द डेजर्टेड विलेज, विलियम कॉपर्स, एलेक्जेंडर सिल्कर, थॉमस ग्रेस ओड टू एटॉन,
जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल। ऑप्शन का करेक्ट आंसर कीजिए इसमें, इस क्वेश्चन का। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन विलियम कॉपर्स एलेक्जेंडर सेल्कर्क इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे इस पोयम और इस पोएट से ये लाइन ली गई है। पोएट जो थे वो विलियम कॉपर थे और लाइन जो थी वो एलेक्जेंडर सेल्कर्क है। ये यहाँ से ये लाइन को निकाला गया है। या बहुत से ऐसे लाइन्स हैं जो फेमस लाइन्स हैं आप डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के, तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्रेस मोस्ट स्ट्रॉन्गली। चलिए बताइए, क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत पूछा जाता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो टर्म है एक तरीके से, वो किस वर्क में इन चारों ऑप्शंस में से दिखाया गया है, बहुत स्ट्रॉन्गली इसको एक्सप्रेस किया गया है। डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सन्स एंड लवर्स। तो आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, सन्स एंड लवर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक जो साइकोलॉजिकल साइकोलो एनालिटिक थ्योरी है, जिसमें ये बात होती है कि जो इसमें जो एक बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो अपने पेरेंट्स के जो ऑपोजिट सेक्स का पेरेंट्स होता है, उससे ये बहुत ही ज्यादा इनके सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं और उनसे बहुत ज्यादा लव करता है, एंड दैट इज ऑन सेक्सुअल बेसिस। ओके, दैट इज कॉल्ड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और सन्स एंड लवर्स जो इस नॉवेल में बात की गई है, और सन्स एंड लवर नॉवेल की बात करते हैं तो ये किसका है, डीएच लॉरेंस का। ठीक है, डीएच लॉरेंस, बहुत पढ़िएगा आप तो आपको थियरी इसकी जो है, एक कॉन्सेप्ट जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का, वो समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नंबर 16, बिसाइड्स बीइंग अ पोएट, चौसर वॉज ट्रेडर, टीचर, मैन्युफैक्चरर, डिप्लोमैट। तो बिना डाउट के ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ही वॉज ऑल्सो अ डिप्लोमैट। ओके, ऑप्शन ए डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 17, द विक्टोरियन पीरियड इज मार्क्ड बाय द पोलिटिकल अपहेवल्स, द ग्रेट सोशल सिक्योरिटी, ग्रेट वॉर्स या इकोनॉमिक डिप्राइवेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, द ग्रेट पोलिटिकल अपहेवल्स वॉज द टाइम, जो पोलिटिकल अपहेवल्स था या एक तरीके से जो अनसर्टेनिटी थी इस टाइम पे पोलिटिकली, वो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा विक्टोरियन एरा में। तो यहाँ पे बड़े तरीके का जो परिवर्तन हुआ है इस टाइम पे विक्टोरियन पीरियड में, पॉलिटिकली जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में उस टाइम ड्यूरेशन पे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है नंबर 17 का। नंबर 18, सऊदी इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर हिज। चलिए बताइए, सऊदी की बात हो रही है, आपको बताना है कि किस वजह से वो रिमेम्बर्ड किए जाते थे। रॉबर्ट सऊदी, इंग्लिश पोएट की बात हो रही है, ये रोमांटिक पोएट है रॉबर्ट सऊदी। आपको बताना है कि किस वजह से इनको ज्यादा रिमेम्बर्ड किया जाता है, एपिक के लिए, अपने एपिक वर्क्स के लिए, बैलेट्स के लिए, ओड्स के लिए या एलेजीज के लिए। तो अगर हम इनको बारे में इनके बारे में बात करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये लेक पोएट्स के नेम से जाने जाते थे, सऊदी, रॉबर्ट सऊदी, लेक पोएट्स, जिसमें क्या थे, कौन कौन था इसमें, रॉबर्ट सऊदी, वर्ड्सवर्थ, एंड कॉलरेज। ठीक है, ये रॉबर्ट सऊदी, कॉलरेज एंड वर्ड्सवर्थ लेक पोएट्स के नेम से जाने जाते हैं। और इन्होंने किस तरीके के वर्क्स लिखे हैं, किस तरीके की पोएम्स लिखी हैं, और उसमें करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो दैट इज ऑप्शन बी, बैलेट्स। ठीक है, स्पेशली जो लिखा है, वैसे ओड भी लिखा हुआ है, बट ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा जो हम बात कर रहे हैं बैलेट्स की। तो ये ओड्स लिखा है, सोनेट्स भी लिखे हुए हैं, लिरिकल वर्सेस लिखे हुए हैं, बट अगर इसके स्पेशली बात करते हैं तो ही इज बेसिकली नोन फॉर हिज बैलेट पोएम्स। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 19, 20 एंड 21, बिसाइड्स बीइंग एन एसेइस्ट, डी क्वेंची वाज आल्सो पोएट, बायोग्राफर, प्लेराइट, क्रिटिक। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है वो ऑप्शन डी है, डी क्वेंची वाज आल्सो अ क्रिटिक। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एसेइस्ट होने के साथ साथ वो क्या थे, क्रिटिक भी थे अपने टाइम के। 20 क्वेश्चन को देखते हैं, बेकन्स एसे वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉन्टेन,
मॉन्टेस्क्यू, बोकैसियो, मॉन्टैन या आपका है पास्कल। चलिए बताइए बेकन्स किससे इन्फ्लुएंस होकर के एसेज लिखा करते थे या उनके एसेज जो थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, आपको इसका आंसर करना है ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, मॉन्टैन। बेकन्स एसेज वर इन्फ्लुएंस बाय मॉन्टैन, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू का नेम दिया गया है तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये मॉन्टेस्क्यू एक पॉलिटिकल थिंकर थे। 21 को देखते हैं, हु गेव द रोमांटिक पीरियड द टाइटल रेनेशा ऑफ वॉन्डर इन पोएट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इंक्लूडेड है इस वीडियो में। तो आपको बताना है कि किसने रोमांटिक पीरियड को रेनेशा ऑफ वॉन्डर के नेम से बोला है इन पोएट्री, ये बोला है विलियम वॉर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, थियोडोर वॉर्ड्स या प्रोफेसर हेरफोल्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 22। आप सभी जो करेक्ट आंसर कर रहे हो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो आप सभी, और जो नहीं दे रहे हैं प्लीज वो भी अपना इसमें कंट्रीब्यूट करें, मीन्स अपना एक एनालिसिस करें किस तरीके से एग्जाम्स इसी से क्वेश्चन पे बेस्ड ऑन होंगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो प्लीज गो फॉर दैट। 22 क्वेश्चन को देखते हैं, द टाइटल ऑफ द नॉवल वैनिटी फेयर इज बोरोड फ्रॉम। वैनिटी फेयर टाइटल जो है वो कहां से बोरो किया गया है, बनियान पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स, हार्डीज टेस्ट या ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। और बिना डिले ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, जॉन बनियन की पिलग्रिम प्रोग्रेस से वैनिटी फेयर जो ये नॉवेल था ये यहाँ पे इसको इसके जो बोरो किया गया है इसका टाइटल, वैनिटी फेयर का टाइटल जो है वो बनियान जॉन बनियन के पिलग्रिम प्रोग्रेस से बोरो किया गया है। और वैनिटी फेयर की बात करते हैं तो ये हमारा डब्ल्यू एम विलियम मैकपीस थैकरे का ये इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ है 1847 में, ठीक है 1847 में वैनिटी फेयर पब्लिश हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 23। अंटिल अबाउट द मिडिल ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर वॉज मोस्टली। अब बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर कि इंग्लिश लिटरेचर जो थे जो लिखा गया है अबाउट द मिडिल 14th सेंचुरी तक वो किस पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे, रोमांटिक पे बेस्ड ऑन, रेवोल्यूशनरी लिटरेचर था या मेटाफिजिकल लिटरेचर था या रिलीजियस एंड डिडैक्टिक था। ऑप्शन डी करेक्ट है, रिलीजियस एंड डिडैक्टिक पोएट्रीज या लिटरेचर लिखा गया है अब अंटिल द मिडिल ऑफ द 14th सेंचुरी, द लिटरेचर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर दैट इज रिलेटेड टू द रिलीजियस एंड डिडैक्टिक लिटरेचर स्पेशली मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल, मोरलिटी प्लेस और रिलीजियस पोएट्री, रिलीजियस जो ड्रामा थे उन पे बेस्ड ऑन था उस टाइम का लिटरेचर, इसीलिए इसको हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन डी को। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, 24, 25 एंड 26। थॉमस ग्रेस, बिशप पर्सी, थॉमस वॉल्टन एंड बिशप हॉर्ड वर द अर्ली रोमांटिक्स क्रिटिक्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड, ऑगस्टन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड या विक्टोरियन पीरियड। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑगस्टन पीरियड के ये इंपॉर्टेंट जो रोमांटिक क्रिटिक्स थे जो कि थॉमस ग्रे, बिशप पर्सी, थॉमस वॉल्टन एंड यहाँ पे हमारा जो नाम दिया गया है बिशप फॉर्ड ये बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बात करेंगे रोमांटिक पोएट्री पीरियड की। ओके, ये क्रिटिक्स थे इस टाइम के या अर्ली रोमांटिक्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे अर्ली रोमांटिक्स या प्री रोमांटिक्स अगर होता यहाँ पे तो वो हम यहाँ पे उसको टिक करते, बट ये सब जो बिलोंग करते थे लास्ट फेज था जो 18th सेंचुरी का लास्ट फेज था उस पे बिलोंग करते थे, इसीलिए हम ऑगस्टन एरा यहाँ पे काउंट करेंगे। नंबर 25 क्वेश्चन को देखते हैं, इन पोएटिक्स एरिस्टोटल राइट्स इन अ सिंपलर एंड रिस्ट्रिक्टिव सेंस ऑफ द एक्शन ऑफ अ ट्रेजेडी इज नॉट लॉन्गर देन 12 आवर्स, 18 आवर्स, 1 डे या 36 आवर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अरिस्टोटल ने पोएटिक्स जो इनका वर्क था उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है ट्रेजेडी से रिलेटेड, तो उसमें बताया है कि सिंपलर और रिस्ट्रिक्टिव सेंस में अगर बात करते हैं किसी एक्शन के बारे में तो वो कितने टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 डे। अगर यहाँ पे हम 24 आवर्स होता तो हम इस पे करेक्ट टिक करते, ठीक है 24 आवर्स। ओके,
ओनली यहाँ पे वन डे लिखा है इसलिए हम वन डे पे टिक करेंगे। तो ऑप्शन में अगर 24 आवर्स होता है तो 24 आवर्स पे आप टिक करोगे कि एक दिन से ज्यादा कोई भी ट्रेजिक जो प्लेज में एक्शन को दिखाया जाता है या एंसन को शोपीस किया जाता है वो एक दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उस अपना एसेंस खो देगा, अपना सोल खो देगा। नंबर 26 क्वेश्चन को देखते हैं। द क्लोज्ड हेरोइक कपलेट यूज्ड बाय पोप इज बिकॉज, अलेक्जेंडर पोप की बात हो रही है यहाँ पे, जो क्लोज्ड हेरोइक कपलेट अलेक्जेंडर पोप ने यूज करा हुआ है उसमें क्या क्या आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो। द टू लाइन्स एक्ट एज अ स्टैंजा, इट मेक्स यूज ऑफ एन एंड स्टॉप फर्स्ट लाइन, एवरी लाइन कंटेन्स अ सिज़रा, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा ऑल द अबव, क्योंकि अगर हम अलेक्जेंडर पोप के हीरोइक कपलेट की बात करते हैं, क्लोज हीरोइक कपलेट की बात करते हैं, तो उसमें आप टू लाइन्स का स्टैंजा होगा और एंड में स्टॉप होगी फर्स्ट लाइन, और उसके साथ ही साथ इसमें जो होगा एक सिज़ेरा होता है सभी लाइंस में जो होता है, पॉज एक होता है जिसको हम बोलते हैं सिज़ेरा। तो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव 27, 28, 29। व्हाट वाज द लैक इन चौसर्स पोएट्री अकॉर्डिंग टू एर्नॉल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। एंड दैट इज ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इवन एर्नॉल्ड ने प्रेज भी किया हुआ है जोफ्री चौसर को उनके वैरायटी के लिए, उनके कैरेक्टराइजेशन के लिए, कि किस तरीके के कैरेक्टर्स उन्होंने उस टाइम ड्यूरेशन में लिखा हुआ जो सभी पार्ट ऑफ सोसाइटी से, पार्ट ऑफ जो एक जॉनर है उससे बिलोंग करते हैं। बट क्या है उनकी पोएट्री में जो लैक करता है, दैट इज हाई सीरियसनेस। नंबर 28 वी हैव द क्वेश्चन, हु बिगेन द वैरायटी एंड एक्सेलेंस ऑफ प्रोज स्टाइल इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में वैरायटी एंड एक्सेलेंस ऑफ प्रोज स्टाइल की बात करते हैं तो किसको ये क्रेडिट जाता है, पोप को, ड्राइडन को, गिबोन को या हॉब्स को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, जॉन ड्राइडन, हु वाज द पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड आल्सो द क्रिटिक ऑफ हिज टाइम। जॉन ड्राइडन की बात हो रही है जिनको, जिन्होंने प्रोज स्टाइल की बात करते हैं तो उसमें एक तरीके की वैरायटी और एक्सेलेंस की बात की है और 18th सेंचुरी से ये बिलोंग करता है। नंबर 29 वी हैव द क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अर्ल ऑफ सरे। क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से आंसर करिए इसका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हेनरी होवर्ड। हेनरी होवर्ड को हम अर्ल ऑफ सरे के नेम से जाने जाते हैं। हेनरी होवर्ड के साथ साथ थॉमस वेट के साथ में इन्होंने इंपॉर्टेंट कोलेबरेशन वर्क्स लिखा हुआ है जो सोनेट सीक्वेंस में है, टोटल्स मिसेलिनी के नेम से जिसको हम जानते हैं। तो हेनरी होवर्ड एंड थॉमस वेट, दीज आर द टू कंपेनियन पोएट्स हैं। आगे नंबर 30 क्वेश्चन को देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेराइट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी, आइडेंटिफाई द राइटर। उस राइटर का नेम आपको बताना है जो कि इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी का फादर जाना जाता है, उसको बुलाया जाता है, उस प्लेराइट का नेम बताना है। थॉमस मिडिल्टन, विलियम शेक्सपियर, वेन जॉनसन या थॉमस हेवुड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लासिकल कॉमेडी की बात करें तो वेन जॉनसन है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, these are the important classical comedies that was written by the dramatist Ben Jonson. और इसके साथ साथ अदर इन्होंने प्लेज लिखे हुए, द एल्केमिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, वॉलपोन है जिसको हम यहाँ पे जो एपिकोनी के नेम से भी जानते हैं, एंड अ टेल ऑफ अ टब, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ बेन जॉनसन। एंड ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने लिखे हुए हैं जिसको प्ले राइट, प्लेज लिखे हुए हैं, ड्रामाज लिखे हुए हैं। And that's why he is known as the father of English classical comedy. देखिए English classical comedy की बात हो रही है, English word mention है तो skip मत करिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। And बात यहाँ पे Ben Jonson की हो रही है। तो कुछ ये important 30 questions आज के part mock test part 3rd में हमने discuss करा TGT PGT से related। आप सभी aspirants बने रहिए channel के साथ में, और important mock test आपको day to day मिलेंगे, back to back आपको इसी channel इंग्लिश जोन पे मिलेंगे। इसके साथ ही साथ इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चलती रहे। तो इसीलिए वॉच आउट करिए अदर वीडियोस जो अपलोडेड हैं इस चैनल पे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।